अजमेर में खुद पर केरोसिन डालकर आग के हवाले करने वाले जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गोविंद नारायण शर्मा के समर्थन में अब ब्राह्मण समाज भी मैदान में उतर गया है। उधर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे पुजारी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुवार को ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से उनकी तबीयत की जानकारी ली। समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन से पुजारी को बेहतर इलाज मुहैया कराने के साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुजारी को कुछ भी होता है तो प्रदेश का ब्राह्मण समाज लामबंद होकर अजमेर प्रशासन का घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जब समाज के लोगों ने डॉक्टरों से जानकारी ली तो उन्होंने पुजारी की हालत नाजुक बताई। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा शर्मा ने बताया कि जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी गोविंद प्रसाद शर्मा की स्थिति के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली तो उनकी हालत नाजुक बताई गई है। उनका कहना है कि पुजारी को आत्मदाह के लिए उकसाने वालों पर पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, ना ही किसी को अब तक गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पुजारी को बेहतरीन इलाज मुहैया करवाया जाए और उन्हें प्रताड़ित करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पुजारी को कुछ भी होता है तो राजस्थान का ब्राह्मण समाज एकजुट होकर प्रशासन का घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हालांकि थाना पुलिस बुधवार को ही अस्पताल में पुजारी के बयान दर्ज कर चुकी है। पुजारी ने पुलिस को लड़खड़ाते जुबान में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा उनके परिवार को परेशान करने, बहू पर गंदी नज़र रखने के साथ ही उनके परिवार को मंदिर से जबरन बेदखल की बात कही। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। अजमेर का समुचित ब्राह्मण समाज जगन्नाथ पुजारी को जिस प्रकार से आत्मदाह करने पर मजबूर किया गया, कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा और प्रशासन द्वारा उचित मदद नहीं करने पर जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, पुजारी की आज वेंटिलेटर पर स्थिति आ गई है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप परिवार वालों को बुला लो, आज ऐसी स्थिति अगर पुजारी जी को कुछ होगा तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज एक उग्र आंदोलन करेगा। किस तरह का आक्रोश आपको में है? आक्रोश की जो परिभाषा है वो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। प्रत्येक ब्राह्मण के रू रू में आक्रोश है जो पैदा है।